नमस्कार, स्वागत है इस वीडियो में। जहां पर अटेंशन तो आ गया, अब हम लोग बात कर रहे हैं धीरे 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 दाना डालने की। दाना डालना गलत वर्ड है, प्री फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रेंजर आपके पास आया, जिसका अटेंशन अब आपके पास है, अब उसको प्री फ्रेमिंग कैसे करेंगे आप? एक एग्जाम्पल सीक्वेंस बनाया मैंने, थोड़ा थोड़ा ये सीक्वेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। टोटल 7 पोस्ट का एक सीक्वेंस है। पहला पोस्ट क्या है? अवेयरनेस पोस्ट। वी आर ग्रेट, यू नो, सम गुड फोटोशूट, सम गुड क्रिएटिव अबाउट योर ब्रांड और योर कॉन्सेप्ट। ये आपका पहला पोस्ट है। सेकेंड पोस्ट, मेन्यू के ग्लिम्पसेस, नॉट द इंटायर मेन्यू, सम एरियाज ऑफ द मेन्यू। Ask them, isn't it exotic? We never had this kind of food in the city. So first time we are introducing it. अगर उसमें कुछ ऐसा है जो उस शहर में पहली बार आप लेके आ रहे हो, do mention that prominently in all your posts. डालो ना आप उसको, यही तो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। जो आपकी USP थी, you remember, you defined a USP. Use this here. यहीं पे काम आने वाली है। टॉक अबाउट ऑथेंटिसिटी। अगर आपकी कुकिंग मेथड ऐसी है, आपने किसी ब्लॉगर को बुलाया, फूड ट्रायल करवाया एंड ही इज सेइंग इट इज एक्सेलेंट, मेक सॉन्ग एंड डांस अबाउट इट ऑन ऑल ऑनलाइन चैनल्स। डालो उसको, आप थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। अब मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मैंने एक ऐड देखा आपका, दो दिन के बाद फिर दूसरा मेन्यू का ऐड देखा, तीसरे दिन बाद कोई फूड ब्लॉगर बात कर रहा है, अभी तक मुझे पता भी नहीं है आपने चालू कर दिया बिजनेस, या आप चालू करने वाले हो, या आप क्या हो। आई डिडंट पे मच अटेंशन, बट रिपीटेडली व्हेन आई कीप हियरिंग अबाउट इट फ्रॉम वन सोर्स और अनदर एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, अगर सेम क्रिएटिव मैं 7 दिन तक रोज देख रहा होता तो मैं पक चुका होता उससे। आई वुड हैव, यू नो, मूव्ड अवे फ्रॉम दैट। वो इरिटेट करता मुझे, बट मैं सेम क्रिएटिव रोज नहीं देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? अलग अलग क्रिएटिव देख रहा हूँ। कभी मैं देख रहा हूँ आप मेन्यू की बात कर रहे हो, कभी मैं देख रहा हूँ आप पूछ रहे हो कौन सा शेड डालना है। कौन सा शेड डालना है? मतलब शायद बिजनेस शुरू नहीं हुआ है अभी। फिर मैंने कोई पोस्ट देखी, आपने लॉन्च अनाउंस कर दिया, बोले अच्छा 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 नया आ रहा है, ये नया आ रहा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, गुड, लुक्स गुड। एक फेवरेबल ओपिनियन बनता गया, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बन रहा है वो। 6th-7th पोस्ट के बाद जैसे ही मुझे लगा, मैंने एक प्री लॉन्च कंटेंट डाल दिया कि ये मेरा प्री लॉन्च कंटेंट है, ये मेरा प्री लॉन्च ऑफर होने वाला है, जस्ट अ सटल हिंट। जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि मैं कोई प्री लॉन्च ऑफर डालने वाला हूं, या कुछ एक्साइटिंग आने वाला है और उसके लिए आप मुझे कह रहे हो कि या तो मेरे पेज को फॉलो कर लो, या मुझे लाइक कर लो, या ये हैशटैग को रीट्वीट करो, या कुछ करो, मैं कर देता हूँ। जैसे ही मैंने आपके पेज को लाइक कर दिया, आपको फॉलो कर लिया, या कोई एक हैशटैग डाल के मैसेज डाल दिया, प्री फ्रेमिंग इज डन। Now I am ready for the offer. Got the point? आपके साथ भी ऐसा हुआ था? Right? It's a genuine method of marketing. This is how ethically you market to people. Not giving them some, you know, sky high dreams, some promising them moon and then delivering nothing. You take them step by step closer to what you want to deliver. इसमें से कुछ भी चीज मैंने गलत नहीं बोली कस्टमर को, मैंने झूठा प्रॉमिस नहीं किया। आई डिड नॉट प्रॉमिस हिम और हर मून। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपेक्टेशन, एंड आई एम ट्राइंग टू ओवर डिलीवर ऑन दैट फ्रंट। दिस इज प्री फ्रेमिंग। इफ दिस पार्ट इज क्लियर, टेल मी इन द कमेंट्स, क्रिस्टल क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो जो शुरू का मेरा अटेंशन वाला वीडियो था और ये जो प्री फ्रेमिंग का वीडियो था, इन दोनों को दोबारा सुनिए। गो थ्रू दिस अगेन टिल इट इज क्लियर। क्लियर हो जाए नीचे लिखिए क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट के क्लियरिटी के बगैर आपका परफेक्ट लॉन्च नहीं हो सकता। टिल यू आर इन अ पोजिशन टू राइट क्रिस्टल क्लियर ऑन द कमेंट्स बिलो, डोंट मूव अहेड। राइट, नेक्स्ट वीडियो में कुछ
बहुत ही बड़ी बात करने वाला हूँ मैं, कुछ बहुत एक्साइटिंग बताने वाला हूँ आपको।